नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसके लिए एक शब्द युत्सु होता है। वंश में उत्पन्न व्यक्ति के लिए एक शब्द वंशज होता है। बड़ा राजकुमार जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो, उसके लिए एक शब्द युवराज होता है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी को राष्ट्रपति कहा जाता है। मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय है। राजा या राज से किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। यज्ञ करने और कराने वाले के लिए एक शब्द याज्ञिक होता है। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति को वादी कहा जाता है। मृग सी सुंदर आंखें हैं जिसकी, उसके लिए एक शब्द मृगनयनी है। बच्चों को सुलाने का गीत के लिए एक शब्द लोरी है। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव को बसंतोत्सव कहा जाता है। राज्य को मिलने वाला कर राजस्व कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। प्रदेश के मंत्रियों में सबसे बड़ा जो हो, उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं जिसकी, उसके लिए एक शब्द पूर्ण काम होता है। मीन के आकार की सुंदर आंखों वाले के लिए एक शब्द मीनाक्षी होता है। सैन्य बल में नया भर्ती हुआ जवान को रंगरूट कहा जाता है। रक्त के दबाव संबंधी रोग को रक्तचाप कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर गई है, उसे विधुर कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। विनष्ट वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण कहा जाता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द मिताहारी है। कहीं से लौट कर आने वाला प्रत्यागत कहा जाता है। मन में पाप करने की भावना रखने वाले के लिए एक शब्द पाप चेता होता है। बिल्कुल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द यथापूर्व होता है। दोपहर के पहले के दिन का भाग पूर्वान कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। नाक कट गई हो जिसकी, उसके लिए एक शब्द नकटा होता है। आकाश में विहार करने वाले के लिए एक शब्द नभचर है। जो मरने की कामना करता हो, उसे मुमूर्ष कहा जाता है। जो प्रतिदिन हो, उसके लिए एक शब्द दैनिक है। एक बार कही गई बात को दोहराते जाना पिष्ट पेषण कहलाता है। मेघ के समान गर्जना है जिसकी, उसके लिए एक शब्द मेघनाद है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मोच की कामना करने वाले के लिए एक शब्द मुमुचू है। पत्नी के रूप में किसी स्त्री का हाथ पकड़ना के लिए एक शब्द पाण ग्रहण है। जिसका भजन उचित व आवश्यक हो, उसके लिए एक शब्द भजनीय है। सभी देवताओं की उपासना संबंधी मत के लिए एक शब्द बहुदेववाद है। समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य का के लिए एक शब्द मध्य वर्ग है। जिससे दूसरे पार की चीज दिखाई दे, उसके लिए एक शब्द पारदर्शी है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। नगर से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द नागरिक है। पुलिस थाने का अधिकारी को थानेदार कहा जाता है। पशु के आचरण जैसा हो, उसके लिए एक शब्द पाशविक है। निर्वाचन में हिस्सा ले सकता है जो, उसके लिए एक शब्द निर्वाचक है। सैनिक समुद्री जहाज को युद्धपोत कहा जाता है। श्वास प्रश्वास का संयमन के लिए एक शब्द प्राणायाम है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द मर्माहत है। जिससे आर पार दिखाई पड़े, उसके लिए एक शब्द पारदर्शक है। उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युत्तर कहलाता है। भारत में उत्पन्न या भारत देश संबंध के लिए एक शब्द भारतीय है। किसी स्थान से टकराकर लौटने वाली ध्वनि के लिए एक शब्द प्रतिध्वनि है। जिसे प्रमाण देकर सिद्ध किया जा सके, उसके लिए एक शब्द प्रमेय है। आइए कुछ और नए शब्दों के एक शब्द देखते हैं। मिट्टी से बना है जो, उसके लिए एक शब्द पार्थिव है। चुनाव में मत देने की प्रक्रिया को मतदान कहा जाता है। देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है। नवजात
शिशु की माँ को प्रसूता कहा जाता है, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधु कहा जाता है, और जिसकी माँ तौल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।